अंबानी ने दिया बड़ा झटका, इस डेट को बंद हो रही है जियो की फ्री सर्विस। रिलायंस जियो के कस्टमर्स की फ्री वॉइस और डाटा सर्विस अप्रैल से बंद हो सकती है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम अप्रैल से कस्टमर्स से नॉमिनल फीस चार्ज करना शुरू कर देगी। जियो 5 महीने से कस्टमर्स को फ्री वॉइस और डाटा सर्विस दे रही है। पहले कहा जा रहा था कि मार्च के बाद भी जियो की फ्री डाटा और वॉइस सर्विस जारी रह सकती है। अप्रैल से रिलायंस जियो एक कस्टमर पर 100 सेकंड 150 रुपए चार्ज करने की तैयारी में है। जियो ने पिछले साल 5 सितंबर को वेलकम ऑफर के तहत फ्री डाटा और वॉइस सर्विस लॉन्च की थी। रिलायंस ने नहीं दिया जवाब। सूत्रों के अनुसार रिलायंस जियो के पास फिलहाल 7.2 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि कंपनी ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई को प्रोपोज्ड टैरिफ प्लान भेजा है या नहीं। कंपनी की तरफ से प्रोपोज्ड प्लान की डिटेल मांगे जाने पर कोई जवाब नहीं मिला। कस्टमर्स से चार्ज करने का दबाव जाएगी। सूत्रों ने बताया कि अपने यूजर बेस को तय करने के लिए रिलायंस जियो मार्च अप्रैल से ट्रायल बिलिंग शुरू कर सकती है। इसमें कस्टमर से कंपनी का प्लान सिलेक्ट करने के लिए कहा जा सकता है। रिलायंस जून तक फ्री सर्विस जारी रखना चाहती थी, लेकिन उस पर काफी दबाव है। इसके चलते जियो फ्री सर्विस को जारी नहीं रखा जा सकता। जियो की तरफ से बिलिंग स्टॉप करने की अहम वजह टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ से बढ़ता दबाव है। जियो के लगातार 2 प्रोमोशनल ऑफर की दूसरे ऑपरेटर्स ट्राई में शिकायत कर रहे हैं। Thanks for watching these videos, hit like, subscribe our channel and yes, don't forget to share with your friends. Ye video dekhne ke liye dhanyawad, like button ko press karna, subscribe karna aur haan apne priyajano ko share karna na bhule. See you in next video, have a nice day. Thanks for being with us, make sure you share and stay with us with subscribing.